अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा जमील और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। सो बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन करने से पहले आप लोगों को एक बात दोबारा से याद करवाऊंगी कि साइंस को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज, ठीक है, या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। सो सिस्टमाइज्ड का या सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब ये होता है जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी शामिल हो, ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व हो उसको हम सिस्टमाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। और इस एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के लिए अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो इसको हम एक्चुअली सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। सो बायोलॉजिकल मेथड में जो हम मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। देन अगला स्टेप आता है हाइपोथेसिस। देन हाइपोथेसिस के बाद बनती है एक थ्योरी और फिर उस थ्योरी को अगर डिसअप्रूव ना किया जा सके तो दैट विल बिकम साइंटिफिक लॉ, ठीक है। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस स्टेप पे कौन सी आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं या क्या क्या किया जाता है किस स्टेप पे, ये सारी बातें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हम कह सकते हैं कोई भी, ये हमारा वो स्टेप है जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस इस्तेमाल करते हुए जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। सो ऑब्जर्व करने के लिए हम अपनी फाइव सेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखना है तो हमें हम विजन का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ उस फलां चीज़ से मिलती जुलती है या उससे डिफरेंट है। हियरिंग से हम पता चला सकते हैं, स्मेल से, टेस्ट, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैयर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमें डिफरेंट जो है वो स्टेप लेना पड़ता है और वो इन्हीं फाइव सेंसेस में से कोई ना कोई एक स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे ही हम ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को तो एक और बात हमारे सामने आती है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसका रंग कैसा है, उसका वो देखने में कैसा है, ठीक है, उसकी यानी क्वालिटीज में जो चीज़ें आपके पास आती हैं वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एडजेक्टिव्स जो हैं, जो उसकी सिफात हैं, वो सारी की सारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आती हैं। इट इज़ लेस एक्यूरेट, क्यों, इसको आप एग्जांपल से भी पता चला सकते हैं कि इट रिकॉर्ड्स ओनली फिजिकल अपेयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो देखने में चखने में पता चल रही है। सो दैट इज़ अ फिजिकल अपेयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको हम मिसाल से वाजह करके देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से लोअर है। अब कितना लोअर है ये हमें नहीं पता, ठीक है, बस हमें ये पता है कि लोअर है, ठीक है। लो जो है वो एक हमारे पास यहाँ पे जो लोअर का वर्ड है वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ना, तो बस लोअर का वर्ड हमने इस्तेमाल कर दिया, तो दैट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दूसरी तरफ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वांटिटी बताता है ये, मयरिंग बताता है, ठीक है। इट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी बताएगा किस तरह से कि इट रिकॉर्ड्स इन टर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो नंबर की फॉर्म में होता है। और आपको पता है जो चीज़ नंबर गेम में आ जाती है वो कभी भी एक्यूरेसी से बाहर नहीं होती, दैट इज़ मोर एक्यूरेट, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो बात वाजह होगी ना कि कितना लोअर है फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से, कितना लोअर है और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कितना हायर है, ये बात हमें पता चल गई थ्रू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये टाइप्स थी ऑब्जर्वेशन की जो कि आपको
पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कि जैसे ही ऑब्जर्वेशन कर लेता है एक साइंटिस्ट, तो वो अपनी सारे की सारी ऑब्जर्वेशंस को और अपने डाटा को एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दे देता है। सो एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, अपनी सारा डाटा और उसका जो बैकग्राउंड होता है सारे का सारा, उस सारे को सम अप करके वो एक स्टेटमेंट दे देता है इस हवाले से, अपने ऑब्जर्वेशन के हवाले से। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, व्हिच इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हतमी तौर पे आपके ऑब्जर्वेशन को जो है वो डिस्क्राइब कर देती है। सो देयर आर टू वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, सो हम बात करेंगे पहले डिडक्टिव रीजनिंग पे, कि हम कहते हैं ये इन रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए हम एक्चुअली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, एक जनरल बात को हम लेके एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं रूल जो है वो बना सकते हैं। इट इन्वॉल्व ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल अजम्पशन। ओके, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक जनरल अजम्पशन होती है हमारे पास और उसको लेकर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया हुआ उन्होंने कि इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, ये एक जनरल बात है ना, ऑल बर्ड्स हैव विंग एंड दैट स्पैरो आर बर्ड्स, ये स्पेसिफिक चीज हो गई, स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग। ठीक हो गया कि एक जनरल बात को लेके हमने उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया। जनरल बात थी कि तमाम बर्ड्स के पास जो है वो विंग्स होते हैं, तो अगर स्पैरो भी बर्ड है तो उसके पास भी विंग्स होने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल दी हुई है कि इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन एनी ग्रीन प्लांट, ठीक है, ऑल से हम एनी पे आ गए, व्हेन प्लेस इन द डार्क वुड नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी तमाम ग्रीन प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो अगर हम किसी भी ग्रीन प्लांट को सनलाइट से दूर ले जाएंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, सो ये हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हुए एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। सो इंडक्टिव रीजनिंग जो है दैट मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक स्पेसिफिक बात होती है उसको हम जनरल प्रिंसिपल की तरफ ले जाते हैं। इट बिगेन्स विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग, ठीक है, उसी बात को उलट कर लेते हैं कि पहले हम जनरल से स्पेसिफिक पे आए थे, ऑल बर्ड से स्पैरोज पे आए थे, अब स्पैरो से ऑल बर्ड्स पे जाएंगे। वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड ऑल बर्ड एंड आर बर्ड्स एंड वी नो दैट ईगल पैरट हॉग क्रॉ एंड आर बर्ड्स, देन वी इंड्यूस और ड्रॉ कंक्लूजन दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग। ठीक है, एक स्पेसिफिक बात से हम एक जनरल बात पे चले गए। सो दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की ही बात चल रही है, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग से आगे कुछ और भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन को बनाने के वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, विच में इंक्लूड इंट्यूशन और इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, कंपेरिजन एंड एनालॉगी विद अदर प्रोसेसेस, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। ठीक, और लास्ट वन इज हाइपोथेसिस, एज यू ऑलरेडी नो आर सब्जेक्ट टू द रिगरस टेस्टिंग। ये सारे के सारे एस्पेक्ट इस्तेमाल करते हुए अगर हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है, चाहे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू बना रहे हैं, चाहे ये नॉन साइंटिफिक वेज से बना रहे हैं, ये समटाइम हमें नॉन साइंटिफिक वेज तो हैं लेकिन ये हमें साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने की। तो अगर हाइपोथेसिस बन चुकी है तो ये फिर एक रिग्रेस टेस्टिंग के आप कह सकते हैं वे से गुजरेगी, बहुत सारी इस पे टेस्टिंग होगी और उसके बाद अगर ये डिसअप्रूव नहीं होगी तो इसको अगला दर्जा मिल जाएगा, और वो अगला स्टेप क्या होगा, थ्योरी। ठीक, एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड इज कंसिडर्ड वेल सपोर्टेड एंड जनरली एक्सेप्टेड।
एक हाइपोथेसिस है, उसको बार 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 टेस्ट किया जा रहा है। हर दूसरा साइंटिस्ट जो है उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो डिसअप्रूव नहीं हो रही तो फिर वो एविडेंस के अकॉर्डिंग वेल सपोर्टेड हो जाती है और वो जनरली एक्सेप्टेड हो जाती है। हर बंदा उसको मान लेता है कि हाँ ये गलत नहीं हुई, इट्स मीन कि ऐसा है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्पैरो जो है वो एक बर्ड है और उसके पास विंग्स हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम जो बर्ड्स हैं उन सबके पास विंग्स होंगे। तो इसको आप किसी भी एंगल से ऑब्जर्व कर लें, ये बात सच निकलेगी। तो दैट विल बी अ थ्योरी, ठीक है। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस। एक थ्योरी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो फर्दर हाइपोथेसिस को जन्म दे सकती है, ठीक है। सो देयर इज सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट व्हिच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी। और एक ऐसी हाइपोथेसिस जिससे और हाइपोथेसिस निकल रही हो उसको फिर हम कहते हैं आफ्टर टेस्टिंग, उसको हम कहते हैं ये थ्योरी बन चुकी है। थ्योरी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये प्रिडिक्टिव होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर होती है इसके पास, देन ये प्रोडक्टिव थ्योरी इसको होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी का मतलब ही यही है, ऐसी थ्योरी जो कि मजीद हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस करे, दैट विल बी अ प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देयर इज अ सेल थ्योरी इन बायोलॉजी, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में जाके चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक लॉ। हावर इवन इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी द टेस्टिंग गोज ऑन। अगर एक थ्योरी, अभी मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्टिव थ्योरी होना उसका लाजमी है कि उससे और हाइपोथेसिस जो है वो निकल सके, अगर वो प्रोडक्टिव भी है लेकिन उस पर भी टेस्टिंग जारी रहती है, ठीक है। सो साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, उसको गलत करने की कोशिश करते हैं, एग्जर्ट एफर्ट्स टू डिसअप्रूव द थ्योरी, लेकिन इफ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्चुअल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। लेकिन एक अच्छी थ्योरी अगर इस सारे सिनेरियो में से गुजर जाती है, डिसअप्रूव नहीं होती है, तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है, फिर उसको थ्योरी नहीं कहते। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है। इररिफ्यूटेबल मतलब कि ऐसी थ्योरी जिसको कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सकता। और बायोलॉजी में इसकी एग्जांपल है हार्डी विंगबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे ये दोनों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।